हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन कुछ नए तरीके से। दोस्तों ये चिकन आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों तो हमने 1 kg चिकन लिया, जिसे अच्छी तरीके से धो लिया है। दोस्तों तो दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो आइए चिकन को पहले दोस्तों इसे हल्का सा कम से कम 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों थोड़ा सा तेल डाल के। तो दोस्तों चिकन को फ्राई करने के लिए हमने गैस को जला दिया और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। उसमें डालेंगे हम तेल। तेल को गर्म हो जाने दीजिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, चिकन को इसमें डाल लेंगे। अब चिकन को फ्राई होने देंगे, जब तक आइए मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों चिकन में डालने के लिए जो मसाला हमने लिए हैं, तैयार किए हैं, तो हमने लिया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। इन सभी मसाले को हम मिक्सर या सिलबट्टे पे पीस लेंगे। तो आइए मिक्सर में पीस लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और मसाले को हम पीस लेंगे। तो दोस्तों मसाला हमने पीस के तैयार कर लिए हैं। अब आइए चिकन को बनाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं और एक बर्तन में इसे निकाल लेते हैं चिकन को। तो दोस्तों गैस को हमने दोबारा से जलाया और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। उसमें डालेंगे तेल। दोस्तों हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल दिया और साथ में जीरा डालेंगे। कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल। दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर का हमने पेस्ट पहले से बना के रख लिया था, पीस लिया था, इसे डाल लेंगे। और टमाटर को अच्छी तरीके से पका लेंगे। टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक गया तेल के अंदर। और इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ मसाला जो हमने मिक्सर में पीस लिया था, उसे डाल लेंगे। और साथ में डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे 1/2 चम्मच और थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च हम डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे कि मसाला हमारा लगने ना पाए नीचे से और अच्छी तरीके से पक जाए। ऐसे चला के अच्छी तरीके से मसाले को पका लेंगे। हम मसाले के अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो 1/2 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मसाले को थोड़ी देर और पकाएंगे अभी। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब फ्राई किया हुआ चिकन हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों चिकन में हम पानी नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी चाहिए इसमें तो आप पानी डालिए, अगर आप वैसे खाना चाहते हैं तो पानी मत डालिए। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइए और बहुत मस्त पकेगा दोस्तों और बहुत लाजवाब पक के ये तैयार होगा। दोस्तों चिकन में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है मसाले के अंदर, आप देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दें और धीमी आँच पर कम से कम 15 से 20 मिनट चिकन को हम पका लेंगे।
तो दोस्तों चिकन को बीच बीच में हम चला देंगे कि चिकन नीचे से लगने ना पाए। तो दोस्तों चिकन हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दोस्तों बारीक कटा हुआ धनिया डाल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब बेहतरीन ये बना हुआ दोस्तों चिकन। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों चिकन हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ और खाने में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों, ज़रूर बनाइए आप। तो इस तरीके से बनाएँ और परिवार और बच्चों के साथ दोस्तों के साथ मज़े से खाएँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।